पूरा विश्व और मानव जात ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत परेशान है, चिंतित है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा जीवन जिया ताकि आज हम उसका उपभोग कर पा रहे हैं। अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी की चिंता है तो ये हम लोगों का दायित्व है कि हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। पूरा विश्व ऊर्जा के संकट से घिरा हुआ है। ईश्वर ने, प्रकृति ने ऊर्जा के लिए बहुत माध्यम दिए हुए हैं। समय की मांग है कि हम फिर एक बार उन रास्तों पर चल पड़े। दुनिया में गुजरात ये चौथी सरकार है जिसने एक अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया है। गुजरात पहला राज्य है जिसने सोलार एनर्जी का पॉलिसी बनाया और आज गुजरात देश का पहला राज्य बन रहा है जो सिंगल लोकेशन पर सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट देश को हम समर्पित कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से ये सोलर प्लांट भावी पीढ़ी को मैं समर्पित कर रहा हूं। भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने का ये हमारा नम्र प्रयास है और आने वाली पीढ़ियां इसके माध्यम से इस बात का गर्व करेगी कि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ के गए हैं। और इस अर्थ में इसका महत्व भावी पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। गुजरात आने वाले दिनों में ग्लोबली सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोमास सारे क्षेत्रों में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब बनेगा, विशेष करके सोलार एनर्जी के क्षेत्र में। और मैं मानता हूं कि पर्यावरण की एक बहुत बड़ी सेवा आज यहां से हो रही है।